मासूम बच्ची के साथ किया गया सामूहिक दुष्कर्म। 2 साल से लगातार किया जा रहा था मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने किया सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं में मुकदमा दर्ज। पीड़ित महिला का आरोप, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने से छोड़ा। पीड़ित महिला का आरोप है कि पुलिस आरोपियों का कर रही है बचाव। मासूम बच्ची के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के बाद भी पुलिस आरोपियों को नहीं कर रही है गिरफ्तार। पीड़ित महिला की मांग, आरोपियों को हो फांसी की सजा। पीड़ित महिला मासूम बच्ची के साथ शिकायत लेकर पहुंची एसएसपी कार्यालय। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट इलाके की बताई जा रही है घटना। मेरा नाम कमल भट्ट है। ये एक 10 साल की छोटी बच्ची है। उसके संग करीब 2 साल से गैंगरेप हो रहा था। वो अपने पड़ोस में खेलने जाती थी तो उसे बहला फुसला के इधर उधर घुमा के उसके संग गैंगरेप किया जा रहा था। इसमें हम एसएसपी साहब से मिले, एफआईआर तो दर्ज हुई, मुलजिमों को भी पकड़ा गया लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। तो पुलिस इसमें, ये एक गंभीर आरोप है लेकिन पुलिस इसमें इसको बहुत उससे ले रही है। तो हम ये चाहते हैं कि वो गिरफ्तार हों और जेल जाएं और इस बच्ची को न्याय मिले। मेरी बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है और मोबाइल करके वो लोगों को बुलाया करती थी, इनसे मोबाइल करवाया करती थी। हमने रिपोर्ट की तो हमारी उसमें हमने जो है का, हाँ थाने में सबने पूछा तो हमारी बच्ची से 2 दिन तक पूछताछ की है कि तुम्हारे साथ ये हुआ है। तो इन्होंने बताया है कि हमारे साथ 2 लड़कों ने गैंगरेप किया है। 10 दिन में 15 दिन में 8 दिन में इस तरह से मोबाइल के द्वारा, मोबाइल उन्होंने ही नंबर दिया था जो 2 औरतें थीं जिनके घर में जाती थी, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया कि इस पर बात करो। इस पर बात करती थी तो लड़के साइड वाले भी बोलते थे, वो ही आवाज़ देते थे और फोन ये लड़के डायरेक्ट मिलते थे। हाँ, तो गैंगरेप किया।